दो दिन हो गए हैं गाइस हमको यहाँ पे फंसे हुए, और आज हमने सोचा था कि हम निकल जाएंगे, बट फिर से मलबा आ गया है। और आ रहा है, और यही है वो पॉइंट जहाँ पर रात से और कल से मलबा आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर रोड ब्लॉक हुई थी गाइस। यही वो जगह है, ये देखो आप। गुड मॉर्निंग गाइस, और अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल में, और वेदर अभी भी कुछ ऐसा हो रखा है, रास्ता अभी भी ब्लॉक है, कोई चांसेस भी नहीं है कि खुलेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग फ़िलहाल, और बहुत ज़्यादा ट्रेजडी हो गई है हमारे साथ फ़िलहाल। और अभी ये लोग एक टी पॉइंट पे चाय पी रहे हैं, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं नीचे। ओ माय गॉड, इतना नीचे देखो पहाड़। नेक्स्ट डे है और हम स्कूल से वापस आ गए अब, और फिर से वहाँ पर ब्लॉक हो गया है। इवन ये था कि बहुत सारे लोग चले भी गए, सुबह 9 बजे से खुला था, लेकिन जैसे ही हम आए फिर से ब्लॉक हो गया रास्ता। तो अब हम यहाँ पर बहुत मुश्किल से पुलिस से परमिशन लेकर आए हैं तेल डलवाने के लिए गाड़ी में, पुलिस वालों के साथ, और पुलिस वालों को मार पे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो देखो देखो देखो, धोखा दे रही है ये पुलिस वालों को। पुलिस वाले ने एक अपना आदमी छोड़ के आए हैं वहाँ पे हम लोग, कि बस हम तेल भराने जा रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे। आगे फिर से ब्लॉक हो गया। अगर ऐसा हुआ कि आज भी ना खुला फिर क्या होगा, 2 घंटे से कपड़े लेंगे पहले। हमारे पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, हमने बच्चों के कपड़े पहने हुए हैं, टी शर्ट। यही कुछ कर सकती है हमारा, हम तो भगवान ही हमारा रखवाला है। निकल तो गए हम, जान हथेली पर लेके एक दिन पूरा पैदल गए थे। सड़के देखो कैसी बन चुकी है। ये देखो सामने किस तरीके से पहाड़ घिसका हुआ है, और यहाँ पे नदी का उफान देख सकते हो कितना ज्यादा तेज है, और हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं तो इधर सेफ है जहाँ पर हम रुके हैं। जहाँ पे सर आप कह रहे थे पान की दुकान खुल जाएगी, इसके आगे वाले मोड़ पे तो है वो, जिधर वो फटा था बादल। ओ ये जाम लगे हुए बीच में, फंसे आ जाम छोड़ा बीच में। हम लोग इस डेंजर जोन में फंस चुके हैं, और इधर की साइड देखो आप, ये बिल्कुल पिछले साल का जो बादल फटा था वो नीचे आया हुआ है, और इधर आगे जाम भी लगा हुआ है। 2 दिन हो गए हैं गाइस हमको यहाँ पे फंसे हुए, और आज हमने सोचा था कि हम निकल जाएंगे, बट फिर से मलबा आ गया है और फिर से हम लोग फंस चुके हैं। आप मेरे पीछे वाली जो पहाड़ी है ना, इसको देखो, यहाँ पे पिछले साल बादल फटा था और उसकी वजह से ये बिल्कुल डेंजर जोन बना हुआ है, यहाँ से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और पीछे की साइड देखिए आप कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, वहाँ पर भी 5वें मील पर मलबा गिरा है और उसको जेसीबी हटा रही है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितनी देर में हटेगा और कितनी देर में हम लोग यहाँ से क्रॉस हो पाएंगे। और जो नीचे है, नीचे एक नदी है, उसका भी वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको मैं दिखाती हूँ आपको, जगह जगह से झरने और पानी सब कुछ निकल रहा है। फिलहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम में तो फंस चुके हैं हम लोग। ये देखिए इधर से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, और ये नदी का पानी जिसमें कि बहुत ही कम पानी रहता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। और जो ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये सब पानी के शोर फूटे हुए हैं गाइस। और इधर की साइड देखिए, यहाँ पर ये पीछे जितनी भी है ना, यहाँ पर 5वें मील पर जाम लगा हुआ है, और वहाँ से सब गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। आगे तक मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे वहाँ तक देखिए, वहाँ तक पूरा ही सब गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करी है, ताकि ये क्योंकि थोड़ा सा सेफ था,
इसलिए। और ऊपर देखो ये कितना डेंजर है। सी गाइस, अभी मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो ही आप पहाड़ों पर ट्रैवल करिए, अदरवाइज़ मत करिए। हम लोगों का ये कि हमें तो नौकरी करनी है तो हम डेली आते ही हैं इधर, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर और बुरा हाल हो रखा है गाइस। अभी फ़िलहाल मैं भी गाड़ी के अंदर ही बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, देखते हैं कितनी देर में खुलेगा यहाँ पर जाम। जितनी भी देर में खुलेगा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, सब गाड़ियाँ फंसी हुई है और मलबा वहाँ पर आया है, जो बिल्कुल कोना दिख रहा है ना आपको, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आया है नीचे, तो मैं अभी वहीं पर जा रही हूँ दिखने के लिए। हाँ, मलबा शायद से हट गया है और अब सब लोग निकल रहे हैं, बट मैं आपको वो पत्थर दिखा देती हूँ डेंजर वाले। मैं बिल्कुल डेंजर पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मलबा लगातार आ रहा है, बट यहाँ से एक दो गाड़ी अब निकलने लगी हैं। दिखाते हैं आपको, ये है वो डेंजर पॉइंट, यहाँ पर ही मलबा आया था और जो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं ना आपको ये सब, बट अब स्टिल थोड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से। और ये देखिए कितना डेंजर हो रखा है, बिल्कुल टूटा हुआ। हम लोगों ने गाइस 5वां मील तो क्रॉस कर लिया है और अभी हम यहाँ पर फंस गए हैं। यहाँ पे भी आगे से मलबा आ ही जा रहा है, लगातार मलबा आ रहा है इधर, देखो जेसीबी लगी हुई है और बट किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि लगातार इधर से ही मलबा आ रहा है। और यही है वो पॉइंट जहाँ पर रात से और कल से मलबा आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर रोड ब्लॉक हुई थी गाइस। यही वो जगह है, ये देखो आप ऊपर से देखो, मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकती क्योंकि ज़्यादा आगे जाना हो जाएगा डेंजर का काम, बट उधर से लगातार मलबा आ रहा है और जेसीबी लगी हुई है। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं, सी ये देखिए इतना खतरनाक हो गया है यहाँ पे नीचे भी। क्या हुआ, और ये थी हमारी डेंजर जर्नी जो कि 2 दिन में कंप्लीट हुई है और फाइनली हम लोग घर सेफ पहुंच चुके हैं गाइज़।